हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ब्लैक स्पैरो मूवी एक्सप्लोरर पर। और आज हम एक खास मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है सी यू सून। एंड ये एक इंडियन मलयालम मूवी है जो आपको अमेजोन प्राइम पर अवेलेबल मिल जाएगी। और इस मूवी की खासियत ये है कि ये पूरी मूवी सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से शूट की गई है। और ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है, तो मैं आपको इस मूवी की रीडिंग तो नहीं बता सकता, लेकिन क्रिटिक्स ने इसे काफ़ी अच्छे रिव्यू दिए हैं जो कि क्वाइट इम्प्रेसिव है। एंड ये एक बेहतरीन थ्रिलर मूवी है जो आपको एकदम एंटरटेन कर देगी। और मूवी से रिलेटेड मैं आपको फैक्ट प्लस इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जो कि इस मूवी के एंड में रहेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक शेयर एंड कमेंट करें बिना चाहिए मत। तो चलिए ब्लैक स्पैरो को बुलाएं। तो फिल्म की शुरुआत हमें एक मन को छू लेने वाले मीठे म्यूजिक से कराते हैं और जिमी नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो कि बैचलर है एंड 31 इयर्स ओल्ड है। और जिमी यूएई कंट्री में रहता है और वहीं के यूनियन नेशनल बैंक में एज अ क्लाइंट एग्जीक्यूटिव वर्क करता है। तो जैसा कि वो एक बैचलर है तो अपने लिए वो पार्टनर ढूंढ रहा था ऑन डेटिंग साइट्स, और कई सारी लड़कियों को स्वाइप अप करने के बाद फाइनली उसका मिस मैच हो जाता है और उसे अपनी ड्रीम गर्ल मिल जाती है। और इस लड़की का नाम है अनमोल सेबेस्टियन जो कि अनु है। तब जिमी अनु को हाय हेलो कहता है एंड उससे व्हाट्सएप नंबर मांगता है, तो अनु ना कह देती है और बोलती है वी कैन टॉक ऑन गूगल चैट। देन ये दोनों बातें करते हैं और जिमी अनु को बताता है कि मैं एज अ क्लाइंट एग्जीक्यूटिव ऑन यूनियन बैंक काम करता हूँ और मेरे फैमिली में मेरी मॉम है एंड डैड की डेथ तो हो चुकी है। देन अनु भी कहती है कि मैं यहाँ पर अपने डैड के साथ रहती हूँ और फिलहाल तो एक जॉब ढूंढ रही हूँ। देन ये दोनों ऐसे ही वीडियो कॉल एंड गूगल चैट पर बातें करते रहते हैं और दोनों को भी एक दूसरे के लिए प्यार वाली फीलिंग आ जाती है। और 2 जुलाई की रात को अनु का बर्थडे होता है, तो ये दोनों वीडियो कॉल पर बातें करते हैं। तब जिमी अपने कजिन और मदर को ऐड करता है और अनु को मैरिज के लिए प्रपोज करता है एंड कहता है विल यू मैरी मी। तब अनु सरप्राइज हो जाती है एंड वो जिमी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। पर इस बात से जिमी की मम्मी खुश नहीं थी। उनका कहना है कि किसी को देखे बिना, किसी का बैकग्राउंड जाने बिना ऐसे ही थोड़ी किसी से भी शादी की जाती है। इसलिए वो जिमी की कज़न केविन को ये सारी बातें बताती हैं एंड अनु का डेटा निकालने के लिए कहती हैं, क्योंकि केविन एक सिक्योरिटी एजेंसी में वर्क करता है एंड वो किसी का भी डेटा फाइंड आउट कर सकता है, उसे हैक कर सकता है एंड उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता लगा सकता है। और दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूँ कि केविन इस मूवी का काफ़ी कूल कैरेक्टर है एंड वो सिर्फ अपनी बातें सुनता है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अनु के पास फ़ोन तो है लेकिन उसमें सिम कार्ड नहीं है, क्योंकि उसके पेरेंट्स कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो उसी रात केविन अनु का डेटा एंड उसका इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए जिमी को कहता है कि अगर तुम किसी तरह अनु के राउटर को दिखा दोगे तो मैं उसके डेटा से, उसके आईपी एड्रेस से मैं उसका सब कुछ डेटा निकाल लूँगा। और फिर जब जिमी वीडियो कॉल पर अनु से बात कर रहा होता है तो वो सिग्नल लो का रीज़न देकर अनु को राउटर के पास ले जाता है एंड उसका इन्फॉर्मेशन वो केविन को दे देता है। तो केविन उस इन्फॉर्मेशन से उस राउटर का आईपी एड्रेस हैक करता है एंड वो अनु का सब कुछ डिटेल निकालता है, जैसे कि उसके डैडी का नाम जेकब सेबेस्टियन है एंड वो लोग 20 साल से दुबई में रह रहे हैं और अनु का फेसबुक अकाउंट प्राइवेट है एंड वो ज़्यादा सोशल नहीं है किसी से। तो केविन ये सारी बातें जिमी एंड जिमी की मम्मी को बता देता है, इससे कि वो दोनों भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। और जिमी इस बात से काफ़ी खुश था तो वो अनु को पेरेंट्स से मैरिज की बात करने के लिए कहता है। अचानक एक रात अनु का वीडियो कॉल आता है जिमी को जब जिमी एक पार्टी में था। तो जब जिमी उस कॉल को अटेंड करता है तो देखता है कि अनु काफ़ी रो रही थी एंड उसका एक गाल इंजर्ड था। तो रोते रोते अनु जिमी को सारी बातें बताती है एंड कहती है कि मुझे मेरे अप्पा ने मारा है एंड मैं अब यहाँ पर और नहीं सकती, तुम प्लीज़ मुझे ले चलो। तो जिमी ये सब देखकर अनु को अपने घर ले आता है और सबसे पहले तो अपने फ्रेंड प्रशांत जो कि एक डॉक्टर है उससे वो अनु का ट्रीटमेंट कराता है। लेकिन प्रशांत ट्रीटमेंट के वक्त जिमी को कहता है कि अगर ये बात किसी को भी मालूम पड़ी तो पुलिस हम दोनों को ही पकड़ लेगी और जेल में डाल देगी, क्योंकि
यूएई में अगर कोई भी लड़का और लड़की शादी से पहले साथ में रहते हैं या लिविंग में रहते हैं तो ये एक क्राइम है। तो जिमी ऑनलाइन सर्च करता है और उसे पता चलता है कि शादी करने के लिए एटलीस्ट उसे कुछ आईडी प्रूफ चाहिए और अनु के पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर केविन की हेल्प लेता है और पासपोर्ट अरेंज करवाता है। तो अगले दिन जिमी जब अपने ऑफिस में होता है तब उसकी एक्सीडेंटली मुलाकात अनु के डैडी जैकब सेबेस्टियन से होती है। देन वो ये बात अनु को बताता है एंड कहता है कि मैं तुम्हारे डैड से अपने रिश्ते की बात रखूँगा। एंड ये कहकर वो अनु के डैडी जैकब सेबेस्टियन से मिलता है एंड अपने रिश्ते की बात रखता है। तब अनु के डैडी भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसके बाद वो डायरेक्टली अपने ऑफिस चले आता है एंड वो इस बात से काफ़ी खुश था। लेकिन कहते हैं ना, अच्छे वक्त के बाद बुरा वक्त भी आता है। तो कुछ इसी तरह जब वो अपने ऑफिस से अनु को मैसेज एंड कॉल कर रहा था तो अनु किसी भी मैसेज एंड कॉल का रिप्लाई नहीं दे रही थी एंड शाम हो चुकी थी लेकिन वो कुछ भी रिप्लाई नहीं दी। जब जिमी अपने घर जाता है और देखता है कि अनु वहाँ पर नहीं थी तो वो बेचारा परेशान हो जाता है। फिर वो केविन को कॉल लगाता है एंड कहता है कि अनु इज मिसिंग एंड वो अपने साथ एक वीडियो छोड़ गई है, जिसे देखने के बाद जिमी एंड केविन दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं एंड जिमी कहता है कि अब मुझे पुलिस नहीं छोड़ेगी और मुझे अरेस्ट करके ले जाएगी। तब केविन का दिमाग चलता है और वो जिमी का सीसीटीवी हैक करता है, जिससे पता चलता है कि जैकब सेबेस्टियन जो कि अनु के डैड है वो अनु से मिलने आए थे और उन्होंने कुछ अनु को दिया था एंड उसके बाद वो चले जाते हैं। लेकिन जब अनु घर से भाग रही थी तो जाते वक्त वो डस्टबिन में अपना सिम कार्ड फेंक देती है। तब जिमी उस सिम कार्ड को फट से ले आता है लेकिन पुलिस तब वहाँ पे आ जाती है एंड वो जिमी को अपने साथ ले जाती है एंड उसके घर को भी सील कर देते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर प्रशांत को भी पकड़ लिया जाता है, लेकिन पकड़ने से पहले वो केविन को यह बताता है कि कुछ समय पहले उसने अनु का इलाज किया था, इस कारण पुलिस ने उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है एंड वो कहता है कि मैं जिमी को भी फट से निकाल लूँगा वहाँ से। और इस वजह से केविन खुद को इस बात का दोषी मानता है क्योंकि उसके हिसाब से अगर वो अनु की पूरी डिटेल निकालता बराबर तो जिमी को आज ये दिन दिखना ना पड़ता। तो फिर केविन वापस से सब कुछ इन्वेस्टिगेट करता है एंड यहाँ पर वो वापस से सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जिसमें उसे अनु के डैड के हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट दिखता है पर वो क्लियर नहीं दिख रहा था, तो इसलिए वो उस डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट निकाल के अपने फ्रेंड क्षितिज को भेजता है, जहाँ पर क्षितिज उस स्क्रीनशॉट को क्लियर करके दे देता है एंड हमें मालूम पड़ता है कि ये एक पासपोर्ट था एंड एक इंडियन पासपोर्ट था जो कि शायद अनु का था। और यहाँ पे केविन प्रशांत को कॉल लगाता है, तब प्रशांत कहता है कि मैंने किसी तरह जुगाड़ लगा के जिमी को यहाँ से छुड़ा लिया है। और इसके बाद जिमी केविन को कॉल लगाता है और वो काफ़ी रूडली तरीके से बात कर रहा था केविन के साथ एंड वो केविन को ब्लेम करता है इन सारे इंसिडेंट्स के लिए और ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। तब इसके बाद केविन काफ़ी परेशान हो जाता है, तब वो अपनी गर्लफ्रेंड संजना को कॉल लगाता है एंड उसे अनु के फेसबुक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन निकालने कहता है क्योंकि अनु का फेसबुक अकाउंट प्राइवेट था। तब कुछ देर बाद संजना केविन को एक लिंक शेयर करती है, जिसे ओपन करने पर वो अनु के प्रोफाइल में चले आता है, लेकिन सरप्राइजिंगली इस प्रोफाइल में अनु के फ़ोटो की जगह किसी और लड़की की फ़ोटो थी जिसका नाम भी अनु ही था। और कुछ फ़ोटोज़ देखने के बाद उसमें से उसे एक फैमिली फ़ोटो मिलती है और जिमी ने भी अनु के फैमिली की फ़ोटो भेजी थी एंड ये दोनों भी फ़ोटो सिमिलर थी। तब उस फ़ोटो को ध्यान से देखने पर उसे अनु का ब्रदर दिखता है। तब वो अनु के भाई की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकालता है, यहाँ पे उसे मालूम पड़ता है कि अनु का भाई बेंगलोर में किसी हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर वर्क करता है। तब केविन किसी तरह अनु के भाई का नंबर भी पता लगा लेता है, लेकिन जब केविन उस नंबर पे कॉल लगाता है तो सामने किसी लड़की ने वो कॉल उठाया था। तब केविन उससे पूछता है आप कौन हो, तो वो लड़की बोलती है कि मैं सिस्टर हूँ इनकी। तब केविन ये सुनकर कॉल कट कर देता है एंड समझ जाता है कि ये लड़की रियल अनुमोल सेबेस्टियन है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि केविन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया था, तो वो अनु के फेसबुक अकाउंट को हैक करने की कोशिश करता है एंड हैक करने के बाद वो अनु के प्राइवेट मैसेजेस पढ़ता है, जहाँ पर केविन को ये बात पता चलती है कि ये लड़की जो जिमी से अनु बन के इतनी देर से बात कर रही थी वो केरला में रहने वाली एक अनु नाम की लड़की है जो रिसेंटली कुछ समय पहले ही यूएई में आई थी। और यहाँ पर केविन अनु के पर्सनल मैसेजेस भी पढ़ता है, जहाँ पर वो अपनी बहन से बातें कर रही थी और उस वॉइस रिकॉर्डिंग में अपने बहन से ये कह रही थी कि मैं यहाँ एयरपोर्ट के वाईफाई से कनेक्टेड हूँ और मुझे थोड़े समय के लिए यहाँ पर रुकने के लिए कहा है।
और इसके बाद हम और भी वीडियो क्लिप देखते हैं जिसमें अनु बहुत रो रही थी एंड अपना दर्द वो अपने बहन से बता रही थी। जैसा मैंने सोचा था यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है और यहाँ पे ये सारे लोग काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हैं। ये मुझे बुरे बुरे काम करने के लिए कहते हैं और अगर ना मानो तो ये मुझे मारते पीटते हैं, बल्कि ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर कैविन को सारी बात समझ जाती है कि अनु एक केरला के छोटे से गांव से बिलोंग करती है एंड उसे अच्छा पैसा और जॉब का लालच देकर यूएई में ले आए एंड उसे सेक्स रैकेट में काम कराते थे। और फिर अनु के फेसबुक लोकेशन को हैक करके कैविन को दुबई के इंडियन एम्बेसी का लोकेशन मिल रहा था। तब उसे सारी बात जिमी को बताना था लेकिन जिमी उसका फ़ोन रिसीव कर ही नहीं रहा था। तो कैविन डॉक्टर प्रशांत को कॉल लगाता है एंड ये सारी बात बता देता है। और इसके बाद खुद डॉक्टर प्रशांत कैविन को इंडियन एम्बेसी के रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स एंड वीडियोस के लिंक शेयर करता है, जिसे ओपन करने पर कैविन को पता चलता है कि रिसेंटली एक सेक्स रैकेट को पकड़ा गया है जिसे पुलिस ने एक ब्रेल विक्टिम के हेल्प से पकड़ा है और इस विक्टिम को जल्दी इंडिया भेजा जा रहा है। और ये न्यूज़ दुबई में आग जैसी फैल चुकी है और एक वीडियो भी लीक हुई है जिसमें बहुत सारी लड़कियों के साथ अनु भी दिखाई देती है। तो प्रशांत एंड केविन एकदम श्योर हो जाते हैं कि ये ब्रेल विक्टिम और कोई नहीं अनु है। तब नेक्स्ट डे जिमी इंडिया वापस जा रहा था लेकिन उसे एक बार अनु से मिलना था, उसे जाना था उसने क्यों किया ऐसा उसके साथ। एंड यहाँ पर केविन भी अपने भाई के इमोशंस को समझ पा रहा था, पर ये लड़की भी खराब नहीं है, हालात ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। तब केविन एक कोशिश करता है, उसे पता था कि अनु का फ्लाइट भी आज ही है क्योंकि उसने कुछ ही देर पहले अनु का टिकट देखा था। इसका मतलब जिमी और अनु अभी एक ही एयरपोर्ट पर है। तो केविन जिमी को अनु को ढूंढने के लिए कहता है, बट अनफॉर्चुनेटली जब तक जिमी अनु के पास पहुंचता है तब तक उसकी फ्लाइट निकल जाती है। तो क्या ये दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे हमेशा के लिए? शायद नहीं। केविन को अचानक अनु का ट्रैश कैन याद आता है एंड वो उसमें से एक डॉक्यूमेंट निकाल के अपने फ्रेंड सतीश को देता है। तब सतीश अनु का न्यू नंबर ट्रेस करके केविन को भेजता है, लेकिन अपने भाई को देने से पहले केविन खुद एक बार ये चेक करना चाहता था कि ये सच में अनु है कि कोई और है। इसलिए वो अनु को नेक्स्ट डे कॉल करता है एंड पता चलता है कि ये असली नंबर है एंड ये सच में अनु का ही नंबर है। तब केविन जिमी को नंबर देने से पहले जिमी से थोड़ी बहुत बातचीत करता है एंड पूछता है कि डू यू स्टिल लव हर। तब जिमी कुछ रिप्लाई नहीं देता। तब दोनों भी भाई थोड़ा सुख दुख बांटते हैं एंड थोड़ी बातचीत करने के बाद एंड में केविन जिमी को पूछता है, डू यू स्टिल लव हर। तब जिमी कहता है यस। तब केविन जिमी को अनु का न्यू नंबर देता है और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, मैं इस मूवी के फैक्ट्स प्लस इन्फॉर्मेशन बताने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये पूरी मूवी मलयालम में थी एंड इस पूरी मूवी को एक्सप्रेशन करने में मुझे काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज हुई है बिकॉज मैंने आज से पहले कभी मलयालम मूवी को सिर्फ सबटाइटल्स के थ्रू कभी एक्सप्लेन नहीं की थी। एंड इसके रिकॉर्डिंग करते करते सुबह के 5:30 बज चुके हैं। तो प्लीज़ आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मैं आपको इस मूवी के फैक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों, इस पूरी मूवी को बनाने में सिर्फ और सिर्फ 18 डेज लगे हैं। हाँ, 18 दिन लगे बस इस मूवी को पूरा बनाने के लिए। एंड ये पूरी मूवी सिर्फ मोबाइल फोन्स एंड डेस्कटॉप के स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ ही बनी है, बट कहीं कहीं जगह फिल्म में रियल कैमरा भी यूज़ किया गया है, जो कि आप अगर ध्यान से इस मूवी को देखेंगे तो आपको समझेगा। और इस मूवी के डायरेक्टर है महेश नारायणन और स्टारिंग कास्ट में है फाहद फासिल जो कि केविन है, रोशन मैथ्यू जो कि जिमी है, दर्शना राजेंद्रन जो कि अनु है। और सबसे ज़्यादा तारीफ तो मैं इस मूवी के सिनेमाटोग्राफिक की करूँगा, जो कि साबिन उराली कैंडी एंड हमारे महेश नारायणन ने किया है। और इस मूवी के म्यूज़िक की तारीफ जितना भी कर लो कम है एंड इसे परफॉर्म किया है गोपी सुंदर ने। एंड ये एक बहुत बेहतरीन फिल्म है, इतना साबित किया कि कोरोना टाइम में भी कोई फिल्म बनाना चाहता तो बना सकता है सिर्फ और सिर्फ मोबाइल एंड डेस्कटॉप से। तो मैं आप सबसे ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको इस मूवी को देखने का मूड करे तो अपना 98 मिनट्स निकाल कर इस मूवी को जाकर ज़रूर देखिए, आप ज़रूर इस मूवी को देख के खुश होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।